जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। पार्ट नंबर 17 में हम इंग्लिश के मजीद 100 वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बना के। तो शुरू करते हैं। जी तो पहला वर्ड है मेजर। कुछ लोग इसको मेयर भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, मेजर मेयर। सेंटेंस बनाते हैं इसका मीनिंग समझने के लिए। लेट्स सपोज हम कहते हैं लेट्स मेजर द लेंथ ऑफ दिस टेबल, कि आए इस मेज की लंबाई को नापते हैं। तो मेजर का मतलब होता है नापना, मेजर करना, मेयर करना। और सेंटेंस हमने बनाया लेट्स मेजर द लेंथ ऑफ दिस टेबल। नेक्स्ट वर्ड है जी मेजरमेंट। अब ये मेजर से ही निकला है और इसको अब हम सेंटेंस में यूज करके इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ दिस रूम, के इस कमरे की मेजरमेंट्स क्या है, इस कमरे की ब्रेथ और लेंथ यानी के लंबाई और गहराई कितनी है। तो मेजरमेंट का मतलब होता है नपाई यानी के उसकी लंबाई और ब्रेथ कितनी है। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ दिस रूम। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी मीट, meat, मीट। एक meat मीट होता है जिसका मतलब होता है मिलना, लेकिन ये मीट है जिसका मतलब है लेट्स सपोज आई प्रेफर चिकन मीट, के मुझे मुर्गी का गोश्त मैं प्रेफर करता हूं, उसको तरजीह देता हूं। तो मीट का मतलब हुआ गोश्त। और यहां पे हमने वर्ड इस सेंटेंस में यूज किया आई प्रेफर चिकन मीट। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी मैकेनिज्म। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस क्लॉक, कि चले इस घड़ी का मैकेनिज्म, इस घड़ी के अंदर जो मैकेनिक्स है, मैकेनिकल पुर्जे हैं, उनका किससे वो काम करते हैं उसको समझें। तो मैकेनिज्म का मतलब होता है ये मैकेनिक से निकला है मैकेनिकल, और फिर मैकेनिज्म के वो मैकेनिकल पार्ट्स किससे काम करते हैं। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया कि लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस क्लॉक। ठीक है जी। वर्ड है मीडिया। अब मीडिया के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, सेंटेंसेस कुछ बनाते हैं इनके मीनिंग समझने के लिए। आई वोट फॉर द फ्रीडम ऑफ मीडिया। ठीक है जी, कि मैं वोट करता हूं मीडिया की आजादी के लिए। तो मीडिया जिस तरह हमारे पास प्रिंट मीडिया होता है जो अखबारें वगैरह छापता है, इसी तरह हमारे पास टीवी मीडिया है जो कि टीवी पे डिफरेंट चैनल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मीडिया जो वर्ड है वो मीडियम से निकला है। ठीक है, कि लेट सपोज कि इंटरनेट डिफरेंट मीडिया पे काम करता है, जिस तरह तारों पे काम करता है, फाइबर ऑप्टिक्स पे काम करता है, वाईफाई, वाईमैक्स वगैरह पे काम करता है। ठीक है, तो दूसरे मीनिंग को मैं इस तरह सेंटेंस में यूज कर लेता हूं, इंटरनेट वर्क्स ऑन डिफरेंट मीडिया, यानी कि मीडिया के जिसके जरिए इंटरनेट जुड़ता है, उसके कनेक्शन एक दूसरे से आपस में बात करते हैं। तो मीडिया एक तो
जो हम जर्नल टर्म्स में मीडिया को यूज करते हैं, और दूसरा मीडिया मीडियम की जमा है कि जिस तरह तार हो गई, जिस तरह आपका मोबाइल फोन जिस तरह काम करता है, वाईफाई के जरिए, आपके सिग्नल्स के जरिए, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स हो गई, तो उसको भी हम उन तीनों चारों चीजों को मिला के मीडिया कहेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमने यूज किए, आई वोट फॉर द फ्रीडम ऑफ मीडिया, और इंटरनेट वर्क्स ऑन डिफरेंट मीडिया। वर्ड है जी मेडिकल। सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। कोई आपसे पूछता है, यार आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं क्या? तो आप कहेंगे आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, कि मैं तिब का स्टूडेंट नहीं हूं। तो मेडिकल तिब से निकला है, और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। वर्ड है जी मेडिकेशन। यहां पे ये यूज कर लेते हैं, आई नीड मेडिकेशन, कि मुझे इस वक्त मेडिकल हेल्प की जरूरत है, मुझे इस वक्त मैं लेट सपोज मेरी उंगली पे जख्म आ गया है तो मुझे मेडिकेशन चाहिए है, मुझे दवाई चाहिए है। तो मेडिकेशन जो है वो मेडिकल से निकला है, मेडिसिन से निकला है, और इसका मतलब है कि मुझे दवाई की जरूरत है, मरम पट्टी पट्टी की जरूरत है। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई नीड मेडिकेशन। वर्ड है जी मेडिसिन। अब मेडिसिन से ही मेडिकेशन निकला है और मेडिकल निकला है। मेडिसिन, द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मी डिफरेंट मेडिसन्स, कि डॉक्टर ने मुझे मुख्तलिफ दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं, लिख के दी हैं। तो मेडिसिन जो होता है वो आपकी दवाई होती है जो आप खाते हैं या पीते हैं या लगाते भी हैं। लगाने वाली जो क्रीम होती है उसको आमतौर पर हम ऑइंटमेंट कहते हैं, लेकिन वो भी मेडिसिन में आ जाती है। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब मी डिफरेंट मेडिसिन। वर्ड है जी मीडियम। ठीक है जी, जो मीडिया की सिंगुलर फॉर्म है, कर देते हैं सिंपल सी, वॉट विल बी द मीडियम ऑफ आवर कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे से बातचीत किस मीडियम के थ्रू करेंगे, किस तरह करेंगे, टेलीफोन के थ्रू करेंगे, इंटरनेट के थ्रू करेंगे, ठीक है जी, केबल टीवी के थ्रू करेंगे, किस तरह करेंगे। तो मीडियम, एक मीडियम होते हैं जिसके थ्रू सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंस में इसे यूज किया व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ आवर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी मीट। अब ये मीट MEET है, मीट, ठीक है जी। लेट्स ये इस तरह कर लेते हैं, वी विल मीट सून, कि हम जल्द मिलेंगे। तो मीट का मतलब होता है मिलना, और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया वी विल मीट सून। वर्ड आ गया जी मीटिंग। अगर आप सिंपल इस तरह कर दें आई एम इन द मीटिंग, कोई आपको कॉल करते हैं, आप कॉल उठा के कहते हैं यार मैं इस वक्त मीटिंग में हूं, मैं इस वक्त किसी से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मीटिंग होता है किसी से मिलना, या मीटिंग किस वक्त वो चीज जारी है। और बिजनेस मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई एम इन द मीटिंग। वर्ड है जी मेंबर। देयर आर 100 ऑफ मेंबर्स ऑफ, या इस तरह कर लेते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आईफेक्टनर चैनल, के आईफेक्टनर चैनल के हजारों
मेंबरान हैं। तो मेंबर जो होता है कोई भी सोसाइटी हो सकती है, कोई भी चैनल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसके लोग मेंबरशिप लें, तो उसको वो मेंबर्स कहलाएंगे। तो यहां पे हमने वो सेंटेंस में यूज किया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आई फैक्टनर चैनल। मेंबरशिप वर्ड है जी, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। हाउ कैन आई गेट द मेंबरशिप ऑफ दैट क्लब, कि मैं मुझे उस क्लब की मेंबरशिप कैसे मिल सकती है, मैं उस क्लब का मेंबर कैसे बन सकता हूं। तो मेंबरशिप मेंबर से निकला है, किसी चीज का मेंबर होना आपको मेंबरशिप दिलाता है। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, हाउ कैन आई गेट द मेंबरशिप ऑफ दैट क्लब। वर्ड है जी मेमोरी, सेंटेंस में यूज करते हैं। इफ ऐसा कर देते हैं कि रिकॉल योर मेमोरी, कि अपनी याददाश्त पे जोर डालो, याद करो, जिसे हम कहते हैं ना कि याद करो। एक ये कोई फिल्म चल रही होती है, उसमें पुलिस वाले कहते हैं ओए सही तरह याद करो, रिकॉल योर मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी का मतलब है याद, या फिर याद करना भी मेमोराइज कहलाते हैं। ठीक है, मेमोराइज, लेकिन मेमोरी भी उसको कहते हैं। ठीक है, आपकी याददाश्त को भी मेमोरी कहते हैं। तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस में यूज किया, रिकॉल योर मेमोरी। वर्ड आ गया जी मेंटल। अब मेंटल के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, सेंटेंस में बना के मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। हाउ हाउस कर लेते हैं, हाउ इज की जो शॉर्ट फॉर्म है, हाउस योर मेंटल हेल्थ, कि आपकी दिमागी हालत कैसी है। ठीक है जी, ये इसके अलावा हम कहते हैं कि लेट सपोज ही इज मेंटल, कि वो पागल है। तो मेंटल का मतलब होता है दिमाग, या कोई पागल हो, जल्ला हो, तो उसको भी हम मेंटल कहते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंसेस में यूज किया, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ और ही इज मेंटल। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी मेंशन। कोई आपको कहे थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत कृपया आपकी, मेहरबानी, बड़े धन्यवाद, तो आप कहेंगे डोंट मेंशन इट, कि इसका जिक्र ना करो, इसको मेंशन ना करो। तो मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, डोंट मेंशन इट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेन्यू। ठीक है, कुछ लोग इसको मीनू भी पढ़ते हैं, लेकिन मेन्यू ज्यादा बेहतर प्रोनाउंसिएशन है। सिंपल हम सेंटेंस बनाते हैं, व्हाट्स ऑन द मेन्यू, कि हम किसी होटल में गए हैं या किसी शादी पे गए हैं खाना खाने, तब हम पूछें व्हाट्स ऑन द मेन्यू, के मेन्यू में क्या है। ठीक है जी, के क्या क्या चीजें उसमें हैं। ठीक है, तो मेन्यू होता है कि खाने से रिलेटेड आइटम्स उस वक्त क्या क्या अवेलेबल हैं। सेंटेंस हमने बनाया, व्हाट्स ऑन द मेन्यू। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी मियर। ठीक है, ये मेरे नहीं है, मियर। इफ यू लर्न मियर 500 वर्ड्स ऑफ English, then you will be able to understand most of the communication. ठीक है जी, कि अगर आपने अंग्रेजी के सिर्फ 500 अल्फाज सीख लिए, 500 शब्द सीख लिए, तो आप इंग्लिश की कम्युनिकेशन को समझ सकेंगे। तो मियर का मतलब होता है सिर्फ, थोड़े से। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, इफ यू लर्न मियर 500 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है जी मेयरली। हम इसका कर लेते हैं, शी इज मेयरली स्पीकिंग ट्रूथ, कि वो बहुत ही कम
सच बोल रही है, तो मेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया शी इज मेयरली स्पीकिंग ट्रूथ। वर्ड आ गया जी मैस। वो कहते हैं ना कोई आपके साथ पंगे ले रहा हो कि डोंट मैस विद मी, कि मेरे साथ पंगा ना लो, तो पंगे को भी मैस कहते हैं। इसके अलावा मैस जो होता है वो गंध को भी कहते हैं, कि जैसा कोई गंध फिराते हैं बच्चे कमरे के अंदर तो उसको भी मैस कहते हैं। या फिर इस तरह भी हम कह सकते हैं ही इज मैसिंग आवर प्लान, कि वो हमारा प्लान जो हमारा मकसद है जो हमने प्लान किया था उसको खराब कर रहा है, मैसिंग अप। ठीक है, ही इज मैसिंग अप विद आवर प्लान होगा, मैसिंग अप विद आवर प्लान। ठीक है, तो मैस का मतलब होता है कि किसी के साथ पंगा लेना, कोई चीज खराब करना, या फिर गंद वगैरह को भी हम मैस कहते हैं। सेंटेंसेस हमने बनाए डोंट मैस विद मी, ही इज मैसिंग अप द होल प्लान, या ही इज मैसिंग अप विद आवर प्लान। नेक्स्ट वर्ड है जी मैसेज। जिस तरह हम किसी को कॉल करते हैं और वो नहीं हो तो हम उसकी सेक्रेटरी को कहेंगे कैन यू प्लीज डिलीवर माय मैसेज, कि कृपया करके मेहरबानी करके क्या आप मेरा पैगाम दे सकते हैं दे सकती हैं। तो मैसेज का मतलब होता है पैगाम। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया कैन यू प्लीज डिलीवर माय मैसेज। वर्ड है जी मेटल। सेंटेंस बनाते हैं गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, के सोना जो है वो कीमती धात है, तो मेटल का मतलब होता है धात। और हमने सेंटेंस बनाया गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। वर्ड है जी मीटर। सिंपल हम बनाते हैं कि लेट सपोज 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर्स, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर लंबाई के उसको कहते हैं कि 1 मीटर जितना होता है, जितना इंडिया और पाकिस्तान में हम गजों पे कहते हैं यार ये कितने गज का है, तो गज थोड़ा सा छोटा होता है, वो ब्रिटिश बेसिकली मेजरमेंट के लिए होता है, ब्रिटिश मेजरमेंट का एक आला है वो है। और मीटर जो है वो बेसिकली अमेरिकन सिस्टम पे चलता है, जिस तरह हम किलोमीटर्स चलते हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो फिर माइल्स पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है मेथड। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए योर मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड, कि आपके पढ़ाने का मेथड आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो मेथड कहते हैं तरीके को। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया योर मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड। ओके थैंक यू। अच्छा जी वर्ड आ गया मैक्सिकन। मैक्सिकन फूड इज वेरी हॉट। इंडिया पाकिस्तान के खानों की तरह जो मैक्सिकन मैक्सिकन्स को भी मिर्चें खाने का पसंद है को पसंद है, तो हम कह रहे हैं कि मैक्सिकन खाना जो है वो काफी गर्म होता है, मिर्चों वाला होता है। तो मैक्सिकन मैक्सिको से रिलेटेड बंदा भी हो सकता है कि ही इज अ मैक्सिकन सिटीजन, वो यानी कि मैक्सिको का सिटीजन है। या फिर मैक्सिकन हमने यहाँ पे फूड के लिए यूज किया मैक्सिकन फूड इज वेरी हॉट। नेक्स्ट वर्ड है जी मिडल। ही इज द मिडल चाइल्ड, वो दरमियान का बच्चा है, दरमियान कि उससे कोई बड़ा भी है और उससे एक छोटा बच्चा भी है, तो फिर वो मिडिल का चाइल्ड होता है जो दरमियान में हो।
तो दरमियान को हम मिडल कहते हैं, और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया ही इज द मिडल चाइल्ड। वर्ड है जी माइट। ही माइट इस तरह कर देते हैं, इफ यू हैड टोल्ड हिम अबाउट मी देन ही माइट हैव हेल्प्ड यू। कि अगर तो तुमने उसे मेरे बारे में बताया होता तो शायद वो तुम्हारी मदद करता। तो मे की जो सेकेंड फॉर्म है वो होती है माइट, यानी कि शायद की सेकेंड फॉर्म। जब हमने पास्ट में सेंटेंसेस बनाने हो तो हम फिर माइट यूज करते हैं कि आई माइट हेल्प यू, कि शायद मैंने तुम्हारी मदद की होती अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते हैं, तो इस तरह। हाँ, तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया है इफ यू हैड टोल्ड हिम अबाउट मी देन ही माइट हैव हेल्प्ड यू। वर्ड है जी मिलिट्री। द मिलिट्री इज स्ट्रॉन्ग, के जो आर्मी है, जो सेना है, जो फौज है, वो मजबूत है। तो मिलिट्री का मतलब होता है फौज से रिलेटेड, आपकी सेना से रिलेटेड। और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया द मिलिट्री इज स्ट्रॉन्ग। वर्ड है जी मिल्क। सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, काउ गिव्स मिल्क, कि गाय दूध देती है, तो मिल्क का मतलब है दूध। सिंपल सेंटेंस बनाया, काउ गिव्स मिल्क। वर्ड है जी मिलियन। आई नीड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है। तो 10 लाख एक मिलियन बनाते हैं, ठीक है जी। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई नीड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वर्ड आ गया माइंड। He is playing mind games. कि वो दिमाग की गेमें खेल रहा है, बड़े जबरदस्त प्लान बना रहा है। तो माइंड होता है दिमाग, ठीक है जी। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया He is playing mind games. वर्ड है जी माइंड। कोई पूछे हो ये गाड़ी किसकी है, तो आप कहें That's mine. ये मेरी है या वो मेरी है। तो माइन का मतलब होता है मेरा, और इसको हम इस तरह यूज करते हैं दैट्स माइन, दैट कार इज माइन, ठीक है, दैट वॉच इज माइन। वर्ड है जी मिनिस्टर। शी इज अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, के वो एजुकेशन की मिनिस्टर है, तालीम की मिनिस्टर है, पढ़ाई की मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर जो होता है मिनिस्टर जो होता है वो मिनिस्टर को ही कहते हैं, ठीक है जी। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया शी इज अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। वर्ड है जी माइनर। माइनर अब डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं आई हैड माइनर इंजरीज, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पूछता यार तुझे कोई छोटे छोटे तो नहीं आई, आपने कहा आई हैड माइनर इंजरीज, कि मुझे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खराशियां आई, छोटी छोटी आई। या फिर हम इसमें भी कह सकते हैं कि ही इज माइनर, ठीक है। अगर कोई 18 साल से छोटा बच्चा हो, टीनेजर हो, तो उसे हम माइनर कहते हैं, यानी कि वो छोटा है, वो छोटी है। तो माइनर का मतलब होता है छोटा, छोटी, या फिर कोई लड़का या लड़की 18 साल से कम उम्र के हो तो उनको भी माइनर कहते हैं। और खासतौर पे जब कोई केस बन रहा हो तो उसमें हम कहते हैं कि यार ये तो माइनर था, इसके ऊपर तो इतनी सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उस तरह। तो यहां पे हमने सेंटेंसेस में यूज किया आई हैड माइनर इंजरीज, मुझे मामूली जख्म आए, और या ही इज
माइनर, या ही इज अ माइनर, ही इज अ माइनर ज्यादा बेहतर है। वर्ड है जी माइनॉरिटी। सेंटेंस बनाते हैं, एशियंस आर माइनॉरिटी इन, लेट सपोज, यूनाइटेड किंगडम। यूके के स्पेलिंग दोनों यूनाइटेड किंगडम ऐसा लिखेंगे कि एशिया के जो लोग हैं वो यूनाइटेड किंगडम में माइनॉरिटी हैं। ठीक है, एक होती है मेजॉरिटी। ठीक है, जिस तरह इंडिया में हिंदू लोगों की मेजॉरिटी है, पाकिस्तान में मुसलमान लोगों की मेजॉरिटी है। ठीक है, और फिर आ जाती है माइनॉरिटी, यानी कि कम लोग। तो हमने यहां पे सेंटेंस में यूज किया, एशियंस आर माइनॉरिटी इन यूनाइटेड किंगडम। वर्ड है जी माइन्यूट। ही इज लुकिंग एट द माइन्यूट डिटेल्स। वो बारीक बारीक डिटेल्स को भी देख रहा है। हमने कोई प्रोजेक्ट जमा कराया, कोई हमने पेपर लिख के दिया है किसी को, प्रोफेसर को, और अब वो माइन्यूट, बिल्कुल कीड़े नहीं निकालते, जिसमें हम कह रहे हैं कि वो माइन्यूट डिटेल्स को भी देख रहा है, छोटी छोटी डिटेल्स को भी देख रहा है। तो माइन्यूट का मतलब होता है छोटा। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, ही इज लुकिंग एट द माइन्यूट डिटेल्स। वर्ड है जी मिरेकल। दैट्स अ मिरेकल। कोई एक्सीडेंट हुआ और कोई बच्चा या कोई बंदा बच गया, तो हम कहेंगे दैट्स अ मिरेकल, ये तो करिश्मा है। ठीक है, तो मिरेकल होता है करिश्मा। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, दैट्स अ मिरेकल। वर्ड है जी मिरर। आई एम लुकिंग एट अ मिरर। मैं शीशे के सामने बैठ के बाल शाल बना रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं शीशे की तरफ देख रहा हूं। तो आईने को मिरर कहते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, आई एम लुकिंग एट अ मिरर। वर्ड है जी मिस। अब मिस भी डिफरेंट मीनिंग में मीनिंग्स में यूज होता है। जिस तरह हम कहें कि एक्सक्यूज मी मिस, कि मिस एक्सक्यूज करना, कोई लड़की हो कोई खातून हो तो हम उसे कह सकते हैं कि माफ करना मिस। ठीक है, या फिर हम ये भी कहते हैं आई मिस यू, कि मैंने तुम्हें मिस किया, मैं तुम्हें याद करता हूं, मिस करता हूं। ठीक है, तो मिस का मतलब लड़की को भी मिस कह सकते हैं, जिस तरह टीचर्स को कहते हैं मिस एबीसी, या ऑफिस में कहते हैं। और इसके अलावा किसी को अगर हम आप याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो उस सूरत में भी आप कह सकते हैं कि। और यहां पे हमने सेंटेंसेस में यूज किया, एक्सक्यूज मी मिस, या फिर आई मिस यू। मिसल। दिस मिसल इज अ लॉन्ग रेंज वन, कि ये जो मिसाइल है ये बहुत दूर तक जाने वाला है, लॉन्ग रेंज वाला है। तो मिसल का मतलब होता है मिसाइल। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, दिस मिसल इज अ लॉन्ग रेंज वन। या सिंपल आप ये भी कह सकते थे, दिस इज अ लॉन्ग रेंज मिसल। वर्ड है जी मिशन। शी इज ऑन अ मिशन, कि वो एक मिशन पर है। जैसा वो फिल्में नहीं थी मिशन इम्पॉसिबल, तो कोई भी मिशन हो, कोई भी काम हो, तो उसको मिशन कहते हैं, कह सकते हैं। कोई सीक्रेटिव काम हो, या कोई आपने जिंदगी में कोई काम करना हो कि मेरी जिंदगी का मिशन है कि मैं गरीबों की मदद करूं। ठीक है, तो यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, शी इज ऑन अ मिशन। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी मिस्टेक।
इट्स माई मिस्टेक। कोई आपसे, आप जा रहे हैं किसी से, आपका कंधा लग जाए, ठीक है, टक्कर शक्कर हो जाए, तो आप उसे कहें, यार सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। तो मिस्टेक का मतलब है गलती, और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया इट्स माई मिस्टेक। वर्ड आ गया जी मिक्स सेंटेंस। लेट्स मिक्स अप द इंग्रीडियंट्स। हम कोई खाने पकाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हमने मसाले भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए, दूध भी डाल दिया, सब चीजें डाल दी, तो हम कहें अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। तो मिक्स का मतलब होता है मिलाना, और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया लेट्स मिक्स अप द इंग्रेडिएंट्स। वर्ड आ गया जी मिक्सचर। मिक्स करने के बाद नाउ लेट्स पुट द मिक्सचर इन द रेफ्रिजरेटर। कि अब जो ये मिक्सचर बन गया है, जो उस आपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मिक्सचर बनाया, उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो मिक्सचर होता है जो मिलाने के बाद चीज बनती है, ठीक है। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया लेट्स, नाउ लेट्स पुट द मिक्सचर इन द रेफ्रिजरेटर। वर्ड आ गया जी डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है जी। अब आप सो रहे हैं, कोई आपको तंग कर रहा है, तो आप कहेंगे मुझे तंग ना कर यार, ठीक है। वर्ड आ गया मोड। वॉट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि बातचीत का जरिया क्या है। तो मोड का मतलब होता है जरिया, कि किसके थ्रू हम बात करेंगे या करते हैं। तो जैसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया वॉट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ड आ गया जी मॉडल। अब मॉडल भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं। जैसे हम कहें कि शी इज अ सुपर मॉडल, कि वो सुपर मॉडल है, एक तो वो मीनिंग होता है जो मॉडलिंग करते हैं लोग। वेयर इज द मॉडल ऑफ दिस, या इससे कह देते हैं दिस इज द डिस्प्ले मॉडल। कि दुकानों पे डिस्प्ले मॉडल पड़े होते हैं, जैसे टीवी के, लैपटॉप्स के, जिनको आप यूज करके देख सकते हैं, तो उनको भी मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटेंसेस में यूज किया कि शी इज अ सुपर मॉडल, ठीक है, जो मॉडलिंग करते हैं लोग उनको मॉडल्स कहते हैं, या फिर कोई भी चीज दिखाने के लिए पड़ी हो तो उसको भी मॉडल कहते हैं। वर्ड है जी मॉडरेट। बी मॉडरेट, के मॉडरेट रहो, दरमियान का हिस्सा करो। कि किसके पास बहुत पैसे आ जाए, बहुत ही शाह खर्च हो जाए, बहुत ज्यादा चीजें खर्च करने लग जाए, तो आप कहेंगे बी मॉडरेट, कंजूसी भी ना करो और बहुत ज्यादा पैसे भी ना खर्च करो, दरमियान के रास्ते में चलो। तो मॉडरेट होते हैं दरमियान, ठीक है। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया सिंपल सा बी मॉडरेट। वर्ड आगे जी मॉडर्न। सिंपल सेंटेंस यूज कर ले रहे हैं कि कंप्यूटर्स आर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। कि कंप्यूटर जो है वो जदीद दौर की इजाद है। तो मॉडर्न का मतलब है जदीद, और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया कंप्यूटर्स आर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। वर्ड आगे जी मॉडेस्ट। ही इज अ मॉडेस्ट मैन, कि वो एक हम्बल आदमी है, सबसे अच्छे तरीके से मिलते हैं, मॉडेस्ट है, ठीक है। और बेसिकली मॉडरेशन से इन मॉडेस्ट निकला है, कि जो दरमियान में हो, जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी ना हो, बहुत ज्यादा हंसने वाला भी ना हो, मॉडेस्ट हो, ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया ही इज अ मॉडेस्ट मैन। मॉम सेंटेंस, आई लव माई मॉम, कि मैं अपनी माता से, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। अम्मी को मॉम कहते हैं, और इस सेंटेंस में हमने यूज किया आई लव माई मॉम।
वर्ड इज ए मोमेंट, आई नीड अ मोमेंट, मुझे एक लम्हे की जरूरत है। कोई आपको कहे यार जल्दी बताओ जाने की नहीं, आप कहेंगे आई नीड अ मोमेंट, मुझे लम्हे की जरूरत है, एक लम्हे की, यानी कि कुछ टाइम तो दो ना यार। तो मोमेंट होता है एक लम्हा, सेकेंड, ठीक है। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई नीड अ मोमेंट। मनी, ही नीड्स मनी, उसको पैसों की जरूरत है। तो मनी का मतलब होता है पैसे, सेंटेंस में हमने यूज किया ही नीड्स मनी। वर्ड आ गया जी मॉनिटर। अब मॉनिटर भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं, जिससे हम कहते हैं कि दिस इज अ 22 इंच मॉनिटर, ठीक है। जिस हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ मॉनिटर्स होते हैं उनको भी मॉनिटर, यहां पे हमने कहा कि ये 22 इंच का मॉनिटर है, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लेट्स मॉनिटर द सिचुएशन, के सिचुएशन का जायजा लेते हैं, मॉनिटर करते हैं उसको, तो उसको भी मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लास में भी मॉनिटर्स होते हैं, उनको भी मॉनिटर्स हम कहते थे। तो मॉनिटर का मतलब है डिस्प्ले जो आप देखते हैं वो मॉनिटर हो सकता है, किसी सिचुएशन को का जायजा लेने को मॉनिटर कह सकते हैं, ठीक है। या कोई बड़े आदमी को, बड़ी चीज को जो दूसरों को मॉनिटर करे, जिनका जायजा ले, उसको भी मॉनिटर कहते हैं, मॉनिटरिंग, ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया दिस इज अ 22 इंच मॉनिटर, लेट्स मॉनिटर द सिचुएशन। वर्ड आ गया जी मंथ। इट्स द, ऐसा कर देते हैं, फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, के ये साल का चौथा महीना है। तो मंथ होता है महीना, सेंटेंस में यूज किया इट्स द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। वर्ड है जी मूड, ऐसा कर देते हैं शी इज इन अ बैड मूड, के वो बुरे मूड में है इस वक्त। मूड जो होता है कि आप किस मूड में हैं, आप अच्छे मूड में हैं, बुरे मूड में हैं, क्या है, ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया शी इज इन अ बैड मूड। वर्ड है जी मून। लुक एट द फुल मून, के पूरे चांद, जो पूरा गोल चांद होता है उसको देखो। तो मून का मतलब है चांद। सेंटेंस में हमने यूज किया लुक एट द फुल मून। वर्ड है जी मॉरल। अब मॉरल के भी दो तीन मीनिंग्स होते हैं, सेंटेंसेस बना के मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जिस हम पूछें व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, के इस स्टोरी का मॉरल क्या है, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है, ठीक है। एक तो वो होता है मॉरल। कभी कभार हम ये कहते हैं कि इट्स, जिस हम पूछें व्हाट आर द मॉरल वैल्यूज, कि मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं, इखलाकी इकदार क्या होती है, इखलाक से रिलेटेड वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। तो मॉरल होता है जो आपका इखलाक से रिलेटेड हो, कि आपने किस तरह एक्ट करना है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, तो वो मॉरल वैल्यूज होती हैं। और दूसरा मॉरल जो है वो है सबक, जो हमने सेंटेंसेस में यूज किया व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट आर द मॉरल वैल्यूज, ठीक है। जिन लोगों ने फिलोसफी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा मॉरल वैल्यूज क्या है। मोर, आई नीड मोर, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा की जरूरत है, तो मोर है ज्यादा। सेंटेंस में हमने यूज किया आई नीड मोर। वर्ड है जी मोर ओवर। आई कैंट, सिंपली हम कहते हैं लेट्स गो, सिंपल तो नहीं, आई कैंट डू इट, कोई कहता है यार ये काम कर दो, आप कहेंगे मोर ओवर इट्स रॉन्ग, तो आप कहेंगे मैं ये नहीं कर सकता,
इन एडिशन और ये गलत है, ठीक है। तो और, मोर ओवर, इसके ऊपर, तो सेंटेंस में हमने यूज किया आई कैंट डू इट, मोर ओवर इट्स रॉन्ग। वर्ड है जी मॉर्निंग, सिंपल आप कहें गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जेन, सुबह बखैर जेन, सुबह शुभ, जो शुभ शुभ सवेरा कहते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग होता है सुबह, और हमने सेंटेंस में यूज किया गुड मॉर्निंग जेन। वर्ड है जी मॉर्गेज, हर हाउस इज ऑन मॉर्गेज, कि उसका घर मॉर्गेज पे है, लीज पे है, ठीक है। बैंक से जो आप कर्जा लेते हैं उसको मॉर्गेज कहते हैं। सेंटेंस में हमने यूज किया हर हाउस इज ऑन मॉर्गेज, या लेट्स मॉर्गेज दिस हाउस, ठीक है, कि इस घर को लीज कर लेते हैं। ज्यादा बेहतर यह कि आप ये कह लें कि लेट्स लीज या लेट्स मॉर्गेज, तो वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकते हैं और ये नाउन के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। लेट्स मॉर्गेज दिस कार, इस गाड़ी को लीज पे ले लेते हैं बैंक से, सस्ती पड़ेगी। वर्ड है जी मोस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग, ज्यादातर लोग जा रहे हैं, तो मोस्ट होते हैं ज्यादा। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया कि यार पार्टी पे कौन जाएगा, आप कहेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग, ज्यादातर लोग जा रहे हैं। वर्ड है जी मोस्टली, आई वेक अप, ये ऐसा कर लेते हैं, मोस्टली ये ऐसा कर लेते हैं, आई वेक अप अर्ली, आई वेक अप मोस्टली अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप मोस्टली अर्ली इन द मॉर्निंग, के ज्यादातर मैं सुबह जल्दी उठता हूं लेकिन कभी कभी आर सोता रहता हूं, तो मोस्टली होता है ज्यादातर। सेंटेंस हमने बनाया आई वेक अप मोस्टली अर्ली इन द मॉर्निंग। वर्ड है जी मदर, आई लव माई मदर, मुझे अपनी अम्मी से प्यार है, मुझे अपनी माता से प्यार है, तो मदर होता है माता, अम्मी, माँ। सेंटेंस बनाया आई लव माई मदर। वर्ड है जी मोशन, जिसका न्यूटन का थर्ड लॉ शायद है, अ थिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, के खला में जो एक चीज है अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा ही मोशन में रहेगी अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोके, ठीक है। मोशन होता है मूवमेंट, चलना। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाने की कोशिश की है अ थिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है जी मोटिवेशन, आई नीड मोटिवेशन टू डू दिस टास्क, कि ये काम करने के लिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे मोटिवेट होना पड़ेगा अंदर से, मतलब जज्बा लेके आना पड़ेगा। तो मोटिवेशन होती है कि आप दिल से काम करते हैं, दिल से आपको जोश और जज्बे में काम करें, तो वो मोटिवेशन होती है। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई नीड मोटिवेशन टू डू दिस टास्क। वर्ड है जी मोटर, द मोटर ऑफ योर कार इज ब्रोकन, क्या आपकी गाड़ी की मोटर खराब हो चुकी है, तो ब्रोकन का मतलब होता है खराब होना।
तो यहाँ पे हमने सेंटेंस यूज किया मोटर, जो मोटर होती है वो आपके इलेक्ट्रिकल जो मशीन होती है या मोटर होते हैं, मैकेनिकल को मशीन कहते हैं जो इलेक्ट्रिक में होती है, और इलेक्ट्रिक के साथ कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स का, ठीक है, तो उसको फिर मोटर कहते हैं, जैसा मोटर बाइक, सही, द मोटर ऑफ योर कार इज ब्रोकन, पानी की मशीन, पानी की मोटर, माउंट, आई विल माउंट माई कैमरा ऑन द स्टैंड, आई विल माउंट माई कैमरा ऑन द स्टैंड, कि मैं अपना जिस तरह कैमरा स्टैंड पे लगाऊंगा, तो माउंट होता है लगाना, ठीक है, तो सेंटेंस हमने यहां पे यूज किया आई विल माउंट माई कैमरा ऑन द स्टैंड। वर्ड आ गया जी माउंटेन, द लेट्स क्लाइंब अप दैट माउंटेन, कि चलो उस पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो पहाड़, बड़ा पहाड़ जो होता है उसको माउंटेन कहते हैं, ठीक है, और जो पहाड़ी होती है उसको हिल कहते हैं। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया लेट्स क्लाइंब अप दैट माउंटेन, वर्ड है जी माउस, द कैट इज प्लेइंग विद द माउस, बिल्ली चूहे के साथ खेल रही है। इसके अलावा हम कहते हैं कि द माउस, यूज द माउस, जिस हम कंप्यूटर्स में माउस होते हैं, ठीक है, यूज द माउस टू पॉइंट, तो वैसे तो माउस चूहे को कहते हैं, लेकिन आजकल कंप्यूटर का दौर है, तो माउस जो हम क्लिक क्लिक करते हैं उसको भी माउस कहते हैं। तो यहां पे हमने सेंटेंसेस में यूज किया द कैट इज प्लेइंग विद द माउस, या यूज द माउस टू पॉइंट एंड क्लिक, माउथ, ओपन योर माउथ, हा, अपना मुंह खोलो, तो माउथ का मतलब होता है मुंह। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया ओपन योर माउथ, मूव, लेट्स मूव, चलो चलें, तो मूव होते हैं मूवमेंट से निकले, चलना, मूव का मतलब होता है चलना, तो सिंपल सेंटेंस हमने बनाया लेट्स मूव, वर्ड है जी मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स टू मूव, मूवमेंट का मतलब है चलना, ठीक है, तो मूवमेंट चलना, तो सिंपल हमने वही सेंटेंस बना लिया मूवमेंट मीन्स टू मूव, वर्ड है जी मूवी, लेट्स गो आउट फॉर मूवीज, चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो मूवी जो होती है कोई मूवी फिल्म, तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया लेट्स गो आउट फॉर मूवीज, मिस्टर, हेलो मिस्टर एबीसी, हेलो मिस्टर एबीसी, मिस्टर मतलब जनाब, तो यहां पे हमने सिंपल यूज किया हेलो मिस्टर एबीसी, कैसे हैं आप, मिसेस, गुड बाय मिसेस जान, जान बंदे का नाम है, उसकी बीवी को हम कहेंगे मिसेस जान, बेगम जान, तो मिसेस का मतलब है बेगम, हमने यहां पे सेंटेंस में यूज किया गुड बाय मिसेस जान, मिस, मिस जेन कैन यू प्लीज हेल्प मी, तो जिस औरत की शादी ना हुई हो उसे मिस कहते हैं, ठीक है, यहां पे हमने, या सिंपल आजकल तो कहीं किसी को भी मिस कह सकते हैं, तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया मिस जेन कैन यू प्लीज हेल्प मी क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस है जी मच, हाउ मच टाइम डू यू नीड, तुम्हें कितने समय की जरूरत है, तुम्हें कितने वक्त की जरूरत है, बताओ ना,
मच होते हैं ज्यादा, कितना, हाउ मच, कितना ज्यादा, मच ज्यादा. सिंपल सेंटेंस हमने बनाया, हाउ मच टाइम डू यू नीड. सेंटेंस है जी मल्टीपल, ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स, कि किसको कहीं से गिर गया तो उसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए, कई जगह से उसके हड्डियां टूट गई. तो मल्टीपल होते कई जगह से या ज्यादा, एक सिंगल और फिर मल्टीपल. ठीक है, इसके अलावा भी हम कहते हैं, जिस तरह मैं आपसे पूछूं व्हाट्स द मल्टीपल ऑफ फोर, के फोर का मल्टीपल क्या है, फोर फोर आर 16, तो उसको भी मल्टीपल कहेंगे. मर्डर, हु मर्डर हिम, उसका कत्ल किसने किया, तो मर्डर का मतलब होता है कत्ल. तो फिल्मों में पूछते हैं, ओए मर्डर वेपन मिला जिससे कत्ल में किया गया था. तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस यूज किया, हु मर्डर्ड हिम. ठीक है, पास्ट में हु मर्डर्ड हिम. वर्ड है जी मसल, लुक एट माय मसल्स. कुछ लोगों को बहुत शौक होता है तो कहते हैं ओए लुक एट माय मसल्स. हाँ, मसल जो होते हैं आपके बॉडी में, बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं, तो मसल्स आपके मसल को कहते हैं, और यहां पे हम कह रहे हैं लुक एट माय मसल्स. सेंटेंस है जी म्यूजियम, वेयर इज द हिस्ट्री म्यूजियम, के हिस्ट्री का म्यूजियम कहाँ है. म्यूजियम ऐसी जगह होती है जहां पे चीजें रखी होती हैं, जिस तरह हिस्ट्री म्यूजियम होता है, एनिमल्स का म्यूजियम होता है, डिफरेंट म्यूजियम्स होते हैं. तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस में यूज किया, वेयर इज द हिस्ट्री म्यूजियम. वर्ड है जी म्यूजिक, आई लव टू लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक, या आई लव सॉफ्ट म्यूजिक, सिंपल कर देते हैं, आई लव सॉफ्ट म्यूजिक, कि मुझे धीमी मौसीकी से प्यार है. तो म्यूजिक का मतलब है मौसीकी. सेंटेंस हमने यूज किया, आई लव सॉफ्ट म्यूजिक. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. ifactional.com को विजिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं. मैं आपसे मिलूंगा नए ट्यूटोरियल में. अंटिल देन टेक केयर, गुड डे.